गाइज, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है। सीआरटी सीटेट पीआरटी में क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं? आज 20/8/2018 था, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो हाँ, कोर्ट में सीबीएसई ने खुद ही कहा है कि 3 दिन के अंदर पूरी साइट अपडेट बिल्कुल अपडेट कर देंगे और आप फॉर्म डाल सकते हैं। 3 दिन कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कम्प्लीटली 3 दिन लगाएगा, जल्दी भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, उसके बाद आप लोग सीटेट में अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है सारे सब लोगों के मन में कि क्या यूपी टेट में क्या होगा, क्या हम 95,000 की जो भर्ती होगी उसमें एलिजिबल हो पाएंगे? तो हाँ, ये आपके लिए एकदम अच्छी खबर कही जा सकती है और बहुत ही अच्छी खबर कही जा सकती है कि आप लोग जो यूपी टेट की वैकेंसी आने वाली है, यूपी टेट में 1-5 में एलिजिबल हैं और आप यूपी टेट भी 1-5 वाला दे सकते हैं और 95,000 की वैकेंसी आएगी। 68,500 में जो इस टाइम वैकेंसी खाली रह गई है जुड़ के, टोटल जो 95,000 की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप 1-5 के एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसके लिए मेरा आपसे अपील यही है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिना कोई लेट किए, बिना किसी प्रकार की कोई देरी किए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और इसके लिए हमारे चैनल से आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। हम एक पर्यावरण का सीरा मैं एक पर्यावरण का सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसके साथ ही वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है जो आपके और वो बिल्कुल सिक्वेंसली अच्छे अच्छे बुक से, स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ या जितने भी स्पेक्ट्रम हुए या एनसीआरटी जो है, अच्छे बुक से क्वेश्चन अराइज किए जा रहे हैं और इस तरीके से स्टैंडर्ड बुक से उन क्वेश्चंस को सिक्वेंसली लिया जा रहा है। ये ना कि हम फर्स्ट चैप्टर को स्किप करके सेकेंड थर्ड चैप्टर से ले लें, थर्ड चैप्टर फिर फोर्थ फाइव चैप्टर को स्किप करके सेवन एट चैप्टर से ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिक्वेंसली लिया जा रहा है। और जो फरवरी में प्रस्तावित है एग्जाम, उससे पहले आपको टोटल सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ओके? तो आप वहां से जाके 10 या 15 मिनट का वीडियो होता है, टोटल वीडियो देख लें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ओके? और किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको क्वेरीज हो, प्रॉब्लम है, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ, ओके? एंड जो हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर, ताकि सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अप्लाई समय से कर सकें, ओके?